नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम एक पावर बीडर के बारे में बात करने वाले हैं जो 7.5 हॉर्स पावर का आपको देखने को मिल जाता है। आप इस समय पर जो पावर बीडर देख पा रहे हैं ये 7.5 हॉर्स पावर का है। इसके बारे में एक संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। आज किसान भाइयों, हम इटावा जिले के अंदर आए हुए हैं और यहाँ पर आकर के इसके बारे में एक संपूर्ण जानकारी हम इकट्ठा करने वाले हैं, जिससे कि किसान भाई अपने खेत के अंदर इससे जुताई करके एक काफी अच्छा फायदा किसान भाइयों को हो सकता है। तो किसान भाइयों, इसे हम किस तरीके से चला सकते हैं, इसके अंदर कौन सा फ्यूल डलने वाला है, कितनी गहराई तक हम इससे जुताई कर सकते हैं, कौन कौन से इम्प्लांट हैं जिन्हें हम इसके साथ जोड़ करके अपने खेतों के अंदर इससे जुताई कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी यहां पर मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आपकी बात करवाते हैं इटावा के अंदर जो हमारा ये गोदाम है, जो हमारा ये कंपनी है, इन कंपनी की सेल्स एग्जीक्यूटिव से कि ये इसके अंदर क्या क्या खासियतें आपको बता सकती हैं। तो मैम, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए और बताइए कि इसके अंदर क्या क्या खासियतें हैं। नमस्कार, मेरा नाम गुंजा मिश्रा है, मैं उन्नत किसान एग्रो इंडस्ट्री इटावा से हूँ। ये 7.5 HP का हमारा पावर बीडर है। मैम, इसके बारे में जानकारी आप हमें ये दीजिए कि ये कितनी गहराई तक जुताई कर सकता है। ये कम से कम 5 से 6 इंच तक गहरी जुताई कर सकता है। ये पेट्रोल वर्जन में आता है या फिर डीजल वर्जन में आता है? पेट्रोल इंजन में मैनुअल अच्छा, स्टार्ट आता है। तो किसान भाई, ये पेट्रोल वर्जन में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी जो गहराई है जुताई की वो लगभग 5 से लेकर 6 इंच तक ये गहरी जुताई कर सकता है। अब मैं इसके बारे में जो और एक्स्ट्रा जानकारी है वो सर से आपको लेकर के देता हूँ कि ये किस तरीके से क्या कार्य कैसे कैसे कर सकता है। तो सर, एक बार आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जिससे कि किसान भाइयों को एक अच्छी जानकारी मिल सके। नमस्कार सर। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं उन्नत किसान एग्रो इंडस्ट्री इटावा उत्तर प्रदेश से हूं। आज हम जो किसान भाइयों को अपना पावर बीडर दिखाने वाले हैं वो 7.5 HP का है, जो कि पेट्रोल वेरिएंट में और ये मैनुअल स्टार्ट में आता है। इसकी हम टेक्निकल जानकारी देंगे, इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, किसान भाई क्या क्या इससे काम कर सकते हैं और कैसे इसको खरीद सकते हैं। सर, सबसे पहले हम इसके सर जो इंजन है उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। सर, इसमें हमने 7.5 HP का इंजन लगाया है, जो की सुपर टर्बो टेक्नोलॉजी का इंजन है सर, और इसमें 7.5 HP का यहाँ देख सकते हैं आपको इंजन मिलेगा। और इसमें जो फ्यूल टैंक लगा है वो बड़ा फ्यूल टैंक है। आमतौर पे जो पावर बीडर आता है उसमें 3.5 लीटर का लगभग फ्यूल टैंक होता है, हमने इसमें 4.5 लीटर का फ्यूल टैंक दे दिया, जिससे किसान भाई ज्यादा पेट्रोल भर के लंबे समय तक काम कर सके सर। और इसके साथ साथ जो इसमें इंजन है वो सुपर टर्बो का इंजन है। सुपर टर्बो क्या होता है वो भी हम बता देते हैं सर। सुपर टर्बो देखिए, यहाँ पे जो हमने एयर क्लीनर लगाया है ये देखिए टर्बाइन टाइप है, यहाँ से जो फ्रेश हवा जाएगी वो रोटेट होकर जाएगी। इसके साथ साथ इसमें किसान भाइयों को 3 लेयर का एयर क्लीनर मिलेगा। अच्छा, ये जो आप 3 लेयर का एयर क्लीनर बनाए, इसके क्या फायदे हैं? सर, इसके फायदे ऐसे हैं, जैसे किसान भाई डस्ट जैसे धूल मिट्टी में चला रहा है, ठीक है, धूल मिट्टी चलाने में क्या है किसान भाई, जो इसकी धूल मिट्टी है वो अंदर ना जाए, इंजन की लाइफ ज्यादा हो जाए, ठीक है। आमतौर पे क्या होता है, जो पावर बीडर होते हैं वो कहते हैं नॉर्मल इंजन नॉर्मल एयर क्लीनर के होते हैं, उसमें धूल मिट्टी खींच लेते हैं और बाद में वो रिंग पिस्टन उसकी डाउन हो जाती है सर। इसमें देख सकते हैं आपको 3 लेयर का मिलेगा। पहला आपको प्राइमरी फिल्टर यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी फिल्टर आपको ये मिल जाएगा और थर्सरी फिल्टर आपको यहाँ मिल जाएगा। किसान भाई को 3-3 फिल्टर मिलने वाले हैं, इससे क्या है जो धूल मिट्टी बिल्कुल नहीं जाएगी और इंजन की लाइफ डबल होने वाली है सर। ठीक ठीक ठीक। तो किसान भाई, 3-3 फिल्टर होने की वजह से आपको इसके काफी ज्यादा फायदे देखने को मिल सकते हैं। क्या है, हमने इसमें जो एयर क्लीनर लगाया है वो सुपर टर्बो का लगाया है, ठीक है सर। उससे क्या होता है किसान भाई को कम खर्चे में ज्यादा ताकत मिलती है, किसान भाई ज्यादा उससे काम ले सकते हैं। इसमें जो मैंने गियरबॉक्स लगाया वो 1.7 लीटर का 1.25 लीटर का गियरबॉक्स है और वो हैवी, आप देखिए कितना मोटा और कितना हैवी गियरबॉक्स है। इसमें क्या होता है किसान भाई, जो टूटने फूटने के चांसेस है वो नहीं रहते हैं, किसान भाई की रिपेयर कॉस्ट नहीं रहती है और लंबे समय तक वो अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद अब बात कर लेते हैं इसके फेंडर की सर, इसमें रोटावेटर लगता है वो 32 मिनट का 3.5 फिट का रोटावेटर आता है, क्योंकि आमतौर पर जो किसान भाइयों के लिए कंप्लेंट रहती थी कि वो रोटावेटर लगा के वो धूल मिट्टी उनके ऊपर जा रही है, ठीक है, हमने इसमें डबल फेंडर लगा दिए जिससे किसान भाई के ऊपर धूल मिट्टी ना जाए आंख में मुंह में, क्योंकि वो सेफ्टी फीचर भी बहुत जरूरी है हमके साथ साथ। इसके इम्प्लांट के बारे में हमें और जानकारी दीजिए सर। इसमें किसान भाई लगभग 35 तरीके के अटैचमेंट लगा के चला सकते हैं। कुछ अटैचमेंट हैं जिसके बारे में अभी हम आपको लाइव डेमो देंगे और लाइव दिखाएंगे भी किसान भाई इसको कैसे ये काम कर रहा है सर, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आमतौर पे जो अभी फसल है सर, जैसे गेहूं कट गया है, धान की सीजन आने वाला है, जी जी जी। तो किसान भाई धान के भरे हुए पानी में एक कीचड़ बनाना चाहते हैं, उनके लिए पैडी अटैचमेंट है,
पेटी अटैचमेंट लगा के किसान भाई भरे हुए पानी में चला सकते हैं, कीचड़ बना सकते हैं और उसमें अपने धान की फसल की रुपाई कर सकते हैं सर। ठीक, इसके अलावा किसान भाइयों आप दूसरा वाला में इम्प्लांट इसके अंदर दिखाने वाले हैं सर, इसके बारे में जानकारी दीजिए। सर ये रेजर अटैचमेंट आता है जो कि एडजस्टेबल होता है, किसान भाई इसको 18 इंच से लेकर 24 इंच तक एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे जो किसान भाई गन्ने की फसल करते हैं रेगुलर, जिनका गन्ना होता है उनको 18 इंच 20 22 24 इंच में उनको जुताई गुड़ाई का काम करना होता है सर। इसमें क्या होता है किसान भाई एक टाइम में सिंगल टाइम प्रोसेस करके, जैसे आगे रोटावेटर लगा के पीछे इसको लगा के आगे से गुड़ाई करता जाएगा, पीछे से वो मिट्टी चढ़ाता है, एक साथ ही दो कार्य कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, इसके अलावा किसान भाई हम तीसरा इम्प्लांट आपको दिखाने वाले हैं। इसके साथ जो दूसरा इसके बाद जो अटैचमेंट आता है वो सिंगल साइड प्लाव बोलते हैं इसको सर। इसको लगा के किसान भाई मिट्टी पलटने का काम करके वो अपना जुताई का काम कर सकते हैं, जो गहरी या जिसको डीप टिलिंग बोलते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, डीप टिलिंग भी इससे आसानी के साथ की जा सकती है जी सर। ठीक है, इसके अलावा इस वाले इम्प्लांट के बारे में और जानकारी आप दीजिए। सर जो हमारा ये बेड मेकर आता है जिसको ढोल मेकर भी बोलते हैं, इससे किसान भाई क्यारी बना सकते हैं, बरा बना सकते हैं, इसको बना के अपना मेड़ बनाने का काम कर सकते हैं सर जी। अच्छा, यानी कि इससे जो आप किसान भाई जो है खेत के अंदर डोले डाल सकते हैं, मेड़ इससे बना सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जिससे किसान भाइयों को ज्यादा मेहनत खेत के अंदर नहीं करनी पड़ेगी। जी जी। इसके अलावा और अगला इम्प्लांट बताइए आप हमें। सर इसके अलावा जो आप देख रहे हैं ये स्पाइरल रेजर अटैचमेंट आता है जी। इसको लगा के किसान भाई जैसे मेड़ बनाने का काम है, जो किसान भाई सब्जियों की फसल करते हैं कोई भी ऐसी फसल कर रहे हैं जिसमें मल्चिंग पेपर का काम करना होता है, मोटी मेड़ बनानी है, मोटी मोटी इसकी मेड़ बना के वो आप मल्चिंग पेपर बिछा सकते हैं, और कोई ऐसी फसल है जो किसान भाई 3 या 3.5 फीट में उनमें मिट्टी चढ़ाने का काम करना चाहते हैं वो भी इससे कर सकते हैं सर। ठीक ठीक, इसको स्पाइरल रेजर अटैचमेंट बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया और शानदार वर्क करता है, हम लाइट चला के दिखाने वाले हैं। तो किसान भाई आपको मैं साथ के साथ ये भी दिखा रहा हूँ कि कौन सा इम्प्लांट किस तरीके से चलाया जा रहा है, इसका सब लाइव डेमो आप इस समय पर वीडियो में देख पा रहे हैं। आपको ये कैसा लग रहा है इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताते रहें। अब बात करते हैं अगले इम्प्लांट के बारे में। सर अगले इम्प्लांट के बारे में आप जानकारी दीजिए। सर इसके साथ जो ये लेवलर अटैचमेंट किसान भाई देख सकते हैं, ठीक है, इसको लगा के किसान भाई मिट्टी प्लान कर सकते हैं, जैसे आगे रोटावेटर चल रहा है पीछे इसको लगा के मिट्टी को प्लान भी करता जाएगा साथ के साथ। अगर इसको उल्टा लगा देंगे तो ये करा का काम करता है, जैसे किसान भाई का कहीं कोना ऊंचा हो गया कहीं नीचा हो गया, इसको लगा के वो मिट्टी को रख के यानी खेत को आप इससे प्लान भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। इसके बाद जो दूसरा अटैचमेंट आता है वो अटैचमेंट किसान भाई ये 3 टन का कल्टीवेटर देख सकते हैं जी। इसको लगा के किसान भाई जुताई का काम गुड़ाई का काम कर सकते हैं सर। ये सबसे ज्यादा फायदेमंद आज किसान भाई जो हमारे गन्ना के किसान भाई हैं उनके लिए काफी ज्यादा फायदे का सौदा हो सकता है। इससे आप काफी गहरी जुताई कर सकते हैं जिससे कि जो आपका गन्ना है उसके अंदर खरपतवार फिर नहीं होंगे। इसके अलावा सर अगले वाले के बारे में आप बताइए। ये सर एडजस्टेबल रेजर अटैचमेंट आता है, इससे किसान भाई जो किसान भाई मोस्टली ट्रेंच का गन्ना बोते हैं, ठीक है, कोई ऐसी सब्जी वाली फसल बोते हैं, कोई ऐसी हॉर्टिकल्चर की फसल है जिनमें किसान भाई को 2.5 फीट से लेकर 3.5 फीट में उनको मिट्टी चढ़ाना होता है, वो इसको लगा के मिट्टी को चढ़ा सकते हैं। ये देख सकते हैं पीछे से ये एडजस्टेबल है, किसान भाई इसको 2.5 फीट से लेकर 3.5 फीट 2.5 फीट 3 फीट 3.5 फीट ऐसे इसको एडजस्ट करके आप मिट्टी चढ़ाने का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेंच की जो हमारे किसान भाई गन्ना बुआई कर रहे हैं ट्रेंच विधि से उनके लिए काफी ज्यादा फायदे का सौदा होने वाला है। अगला जो हमारा इम्प्लांट है ये किसान भाइयों और भी ज्यादा शानदार होने वाला है। ये इम्प्लांट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि जिन किसान भाइयों के खेतों के अंदर खरपतवार सबसे ज्यादा होते हैं और वो चाहते हैं कि वे जो खरपतवार है वे जड़ से खत्म हो जाए, बिल्कुल नीचे से नष्ट हो जाए, तो आप इस वाले इम्प्लांट का यदि आप यूज करते हैं तो ये जड़ से खरपतवारों को खत्म कर सकता है। तो इसका उपयोग भी आप यदि करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम अपने अगले इम्प्लांट के बारे में। तो सर अगले इम्प्लांट के बारे में आप बताइए। जी सर ये बखर अटैचमेंट आता है, इससे लगा के किसान भाई जड़ से, देखिए यहाँ पे एक ब्लेड लगाया है जो कि बहुत ही तीखा है, ये क्या करता है सर ये जो खरपतवार है उसको जड़ से काट देता है नीचे गहराई से, ठीक, और खरपतवार बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं सर। ठीक ठीक ठीक। इसके बाद जो दूसरा अटैचमेंट होता है इसको सर रिवर्सिबल एमबी प्लाउ बोलते हैं, इससे किसान भाई एक ही सिंगल साइड जाके आप इसको रिवर्स कर सकते हैं और अपने खेत की जुताई कर सकते हैं। यानी कि किसान भाई जो किसान भाई अपनी मिट्टी को पलटते हैं खेत की मिट्टी को पलटना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा जुगाड़ आपका होने वाला है। अब बात करते हैं अगले इम्प्लांट के बारे में। सर आप जो ये अटैचमेंट देख रहे हैं इसको रोटावेटर बोलते हैं, इससे मोस्टली क्या होता है किसान भाई जो गहरी जुताई का काम हो गया गुड़ाई का काम हो गया वो कर सकते हैं, और ये जो हमारा रोटावेटर है ये एडजस्टेबल है, आप देखिए ये जो पिन से आप देखने को मिल रही है इसको आप पिन को निकाल के किसान भाई छोटा बड़ा कर सकता है, जो किसान भाई चाहते हैं कि उनको कम जगह में गुड़ाई करनी है जुताई करनी है वो भी कर सकते हैं, और कम ज्यादा से ज्यादा इसको 3.5 फीट तक बढ़ा सकते हैं सर, और ये कम से कम इसको 1.5 फीट हो जाता है ज्यादा से ज्यादा 3.5 फीट तक, यानी कि इसे 1.5 फीट से लगा कर 3.5 फीट तक छोटा और बड़ा किया जा सकता है। बिल्कुल काफी अच्छे रेट इसके देखने को
मिलेंगे। इसके अलावा जो सर आप हमें बताना चाहें कि इसके अंदर और क्या खासियतें आपको दिखाई देती है जिससे हमारे किसान भाइयों को और भी जानकारी मिल सके, तो आप वो भी आप हमें बता सकते हैं। बहुत से ऐसे किसान भाई है जो जिनका खेत दूर है, घर से दूर है, आने जाने में उनको प्रॉब्लम होती है, उनके लिए किसान भाई आप भाड़ा ढोने के लिए या सामान ढोने के लिए हमने एक ट्रॉली अटैचमेंट बनाया है। किसान भाई ट्रॉली पे बैठ के इसमें सामान डाल के आप घर से खेत पे, खेत से घर पे आप आ जा सकते हैं। इसके बाद जो किसान भाई चाहते हैं सिर्फ उनको आने जाना है, सामान नहीं लेके जाना है, जैसे रोटावेटर लगा दिया बैठ के जाके जुताई करनी है, उनके लिए आप सीट अटैचमेंट देख रहे हैं, इसपे आप बैठ के घर से खेत पे, खेत से घर पे आप आ सकते हैं सर। अच्छा, तो ये आपका सीट अटैचमेंट है? जी सर। अच्छा अच्छा, तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है किसान भाइयों। अगर आपको सिर्फ खेत तक आना है और जाना है, क्योंकि इसका जो खर्चा है वो काफी कम है, तो आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं और अपने खेत पर आसानी के साथ जा सकते हैं और आसानी के साथ आ सकते हैं। इस जो हमारा ये पावर मीटर है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पर मैंने आपको दी है। इसे आप किस तरीके से खरीद सकते हैं, साथ ही साथ क्या इसके ऊपर हमें सब्सिडी मिलने वाली है या फिर नहीं मिलने वाली है, इसे हम किस तरीके से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तरीके से, वो जानकारी भी सर आप हमें दे दीजिए। सर सबसे पहले हम अपने किसान भाई को सब्सिडी वाला पॉइंट क्लियर कर देते हैं जी। जो किसान भाई पूरे भारत में किसी भी कोने से, इसमें हमारा 50% सब्सिडी अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, आप कहीं से भी आपको 50% सब्सिडी मिलेगी। उसके लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो हम आपको बना के दे देंगे, बाकी की प्रक्रिया आपको ऑनलाइन करनी होगी सर, और सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी। अब बातें आती है किसान भाई खरीद कैसे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसको खरीदने के लिए कुछ नहीं करना होता, नीचे दिए गए जो नंबर पे किसान भाई आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, अगर हमारा कॉल बिजी जाता है तो आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज डालिए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कौन सा मॉडल लेना है। और किसान भाई हमारे यहाँ उन्नत किसान एग्रो इंडस्ट्री इटावा उत्तर प्रदेश में यहाँ आके चला के देख के लेके जा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे और भी बहुत काफी प्रोडक्ट है किसान भाई, जैसे ये 7.5 HP देखते हैं, इससे ऊपर भी आते हैं, इससे लोअर मॉडल भी सर हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, किसान भाई यहाँ आके देख के लेके जा सकते हैं। जो किसान भाई दूर दराज एरिया से है या घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, ऑनलाइन तरीका भी रहता है। ऑनलाइन तरीका में किसान भाई को 5,000 रुपए बुकिंग अमाउंट करना होता है, बाकी मटेरियल, बाकी के पैसे जब मटेरियल उनके डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाए, जाके देख लें, देखने के बाद बच्चों को पेमेंट करें, पेमेंट क्लियर होगा, सामान आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा सर। तो किसान भाई जो नीचे नंबर आप देख रहे हैं ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। यदि बाय चांस आपकी कॉल नहीं लगती है तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए, सर से आपका कॉन्टैक्ट हो जाएगा। आपको जो है स्टार्टिंग में बुकिंग अमाउंट जो है वो 5,000 रुपए डालना होता है, उसके बाद यहाँ से सामान जो है आपके डिस्ट्रिक्ट में डिलीवर कर दिया जाता है। पहले आप डिस्ट्रिक्ट में जाकर के अपने सामान को चेक कर लीजिए कि सामान आया है या फिर नहीं आया है, जब आप संतुष्ट हो जाए उसके बाद जो पेमेंट बचता है वो सर के अकाउंट में आपको डालना होगा और आपका जो ये पावर बीडर है ये आपके घर तक फिर पहुंचा दिया जाएगा। किसान भाइयों इसकी डेमो हम आपको दिखा चुके हैं, कौन कौन से इम्प्लांट हम इससे यूज कर सकते हैं वे भी हम आपको दिखा चुके हैं, सब्सिडी मिलेगी या नहीं उसकी जानकारी भी हम आपको दे चुके हैं, किस तरीके से आप इसे मंगा सकते हैं वो जानकारी भी आपको मिल चुकी है। यदि आपको ये इम्प्लांट हमारा अच्छा लगा हो, ये पावर बीडर अच्छा लगा हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे खरीदने की कोशिश करें। और किसान भाइयों इसे आप यदि खरीद लेते हैं तो इससे सिर्फ और सिर्फ आप ही का फायदा होने वाला है, क्योंकि ये काफी सस्ता है और काफी टिका हुआ है। तो एक बार आप इसकी कीमत हमें और बता दीजिए। सर कीमत भी मैंने बहुत ही वाजिब रखी है, पूरे इंडिया में बेस्ट क्वालिटी के साथ कीमत मैं सिर्फ और सिर्फ 36,000 रुपए देने वाला हूँ सर। यानी 36,000 रुपए में किसान भाई को जितना ये बीडर दिख रहा है इतना आएगा, साथ में आपको 32 ब्लेड का रोटावेटर मिलेगा सर। ठीक, जो तो किसान भाई मात्र 36,000 रुपए में ये आपका हो सकता है, और 36,000 रुपए खर्च करके आप अपने खेत की जुताई बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं, और बहुत सारे इम्प्लांट जो हमने आपको दिखाए हैं इन्हें भी आप खरीद सकते हैं और इनसे आप अपनी खेती को और भी आसान तरीके से एक ऊंचे स्तर तक पहुंचा सकते हैं। तो सर आप हमें जानकारी ये और दीजिए कि इसकी जो वारंटी है, गारंटी है वो क्या रहती है, किस तरीके से इसकी वारंटी है, किस तरीके से इसकी गारंटी है। सर सबसे पहली बात तो जो किसान भाई उन्नत किसान का प्रोडक्ट लेता है उसको हम वारंटी देते नहीं है। अच्छा, हमारी इंजन गियरबॉक्स की फुल गारंटी होती है। अगर कोई भी किसान भाई लेता है इंजन गियरबॉक्स में कुछ भी पार्ट्स खराब हो जाता है, 1 साल के भीतर वो पार्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट बदल दिया जाएगा, उनके किसान भाई के घर तक पहुंचेगा और लोकल मोटरसाइकिल मैकेनिक से आप उसको रिप्लेस करवा सकते हैं सर। ठीक है, तो किसान भाई आपने देखा कि इसकी जो वारंटी है, गारंटी है, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। यहाँ पर कुछ किसान भाई हैं जो हमारे साथ इस समय पर मौजूद हैं, जो इस समय पर जुड़े हुए हैं। इन किसान भाइयों के सामने हमने जो है इसका डेमो किया है और डेमो इन किसान भाइयों को कैसा लगा है वो भी हम इनसे आपको जानकारी प्राप्त करवा देते हैं। तो आपने जो डेमो देखा वो आपको कैसा लगा, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये जुताई की गई है, आपको कैसी लगी? आपको ठीक लगी है इसकी जुताई?
ठीक है, तो किसान भाइयों यहाँ पर हमारे किसान भाई हैं, इन्होंने भी इसका डेमो देखा है और इन्हें भी काफी ज्यादा अच्छा इससे लगा है। तो आप भी इस पावर बीटर को खरीद सकते हैं और अपने खेती को और भी ज्यादा खुशहाल बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप इसे खरीदना चाहते हैं तो हमारे सर के जो नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप इसे मैसेज कर सकते हैं, जिससे ये आपके घर तक फिर पहुंचाया जा सके। तो किसान भाइयों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।